गुरु नानक देव जी ने क्यों निकाला था रोटी में से खून? जैसे कि हम जानते हैं, श्री गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक और सिखों के पहले गुरु थे। उनकी जयंती प्रकाश पर्व या गुरु पर्व के रूप में मनाई जाती है। नानक जी का जन्म पाकिस्तान पंजाब में रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में हुआ था। सन 1469 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म पिता कल्याण या मेहता कालू जी और माँ तृप्ति देवी के घर हुआ। इस दिन को सिख धर्म में काफ़ी उल्लास के साथ मनाया जाता है। नानक जी ने हिंदू परिवार में जन्म लिया था। सिख धर्म में मान्यता है कि बचपन से ही नानक देव जी विशेष शक्तियों के धनी थे। उन्हें अपनी बहन नानकी से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। 16 वर्ष की आयु में ही इनकी शादी सुलक्षणी देवी से हो गई। सुलक्षणी देवी पंजाब के भारत गुरदासपुर जिले के लखोकी की रहने वाली थी। इनके दो पुत्र श्रीचंद और लक्ष्मीचंद थे। इन दोनों बच्चों के जन्म के कुछ समय बाद ही नानक जी एक तीर्थ यात्रा पर निकल गए। उन्होंने काफ़ी लंबी यात्राएं की। इस यात्रा में उनके साथ मर्दाना, लहना, बाला और रामदास भी गए। एक बार गुरु नानक देव जी और उनके शिष्य मर्दाना किसी गांव में गए। वहां रहने वाले एक गरीब किसान लालू ने उन लोगों को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। गुरु नानक देव जी और उनके शिष्य मर्दाना जब के घर भोजन करने पहुंचे तो उस किसान ने भोजन के दौरान अपने सामर्थ्य के अनुसार रोटी और साग परोसा। लेकिन जैसे ही गुरु नानक देव जी और उनका शिष्य भोजन करने वाले थे, उसी समय गांव के जमींदार मालिक भागो का सेवक वहां आया और कहने लगा कि आप दोनों को मेरे मालिक ने भोजन के लिए आमंत्रित किया है। वह चलने के लिए दोनों से बार बार मिन्नतें करने लगा। ये देखकर गुरु नानक देव जी लालू की रोटी अपने साथ लेकर मर्दाना के साथ जमींदार के घर चल गए। गुरु नानक देव जी के पहुंचते ही जमींदार भागू ने उनका खूब आदर सत्कार किया और भोजन परोसने की शुरुआत की। भोजन के दौरान जमींदार ने दोनों के सामने कई तरह के पकवान परोसे, लेकिन दोनों ने भोजन करने की शुरुआत नहीं की। इस पर जमींदार ने गुरु नानक देव जी से पूछा कि आप मेरे निमंत्रण पर आने में इतना संकोच क्यों कर रहे थे और आप भोजन करने में संकोच कर रहे हैं? उस गरीब किसान की सूखी रोटी में ऐसा क्या स्वाद है जो मेरे पकवान में नहीं है? जमींदार की ये बात सुनकर गुरु नानक देव जी पहले कुछ नहीं बोले, फिर उन्होंने एक हाथ में उस रोटी को उठाया जो वह किसान के घर से लाए थे और दूसरे हाथ में जमींदार की रोटी को उठाया। इसके बाद उन्होंने अपने हाथों में ली हुई दोनों रोटियों को दबाया। तभी किसान लालू की रोटी से दूध की धार बहने लगी और जमींदार भागों की रोटी से रक्त की धार बहने लगी। इसको देखकर गुरु नानक देव जी बोले, लालू किसान की के घर की सूखी रोटी में प्रेम और ईमानदारी मिली हुई है, लेकिन तुम्हारी रोटी में अप्रामाणिकता से कमाया हुआ धन और मासूम लोगों का रक्त मिला हुआ है। इस बात का प्रमाण तुम्हारे सामने है। इसी वजह से मैं लालू किसान के घर भोजन करना चाह रहा था। गुरु नानक देव जी की ये बात सुनकर जमींदार उनके पैरों में गिर गया और बुरे कर्म त्याग कर अच्छा इंसान बनने की राह पर चल पड़ा।